स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे फाइनली इसके न्यूमेरिकल, यानी कि आज हम बात करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल कैसे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ चीजें इसके बारे में और जाननी होंगी कि क्या साइन होता है, मतलब कि यहाँ पर हमें मेन जो फॉर्मूला मिलेगा वो एक रिलेशन मिलेगा जो कि एक फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज और उसके अलावा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें कुछ साइन को भी बहुत ध्यान से देखना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो अगर हम मिरर फॉर्मूले की बात करें, मिरर फॉर्मूला, तो जो मिरर का फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा मिरर का फॉर्मूला है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, किसी भी टाइप का स्फेरिकल मिरर हो, इस सब पर ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एफ क्या है। यहाँ पर एफ जो है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ, ठीक है, ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ किसकी होगी, मिरर की होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वी जो है, वी यहाँ पर है डिस्टेंस ऑफ इमेज, याद रखना डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो पोल ऑफ द मिरर का मतलब यहां पर जो भी पोल होता है, अभी आपको बताएंगे क्या होता है, यू जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि किसी भी प्रकार का जो स्फेरिकल मिरर होगा वहां पर ये एप्लीकेबल फॉर्मूला होगा। बस कुछ नहीं है, साइन में थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा, यानी कि वी अलग होता है, एफ अलग होता है, ये सब होगा, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बनाया, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब क्या है, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये हमें पता है इसका पोल है, ठीक। अब आप ये समझिए कि क्या होगा, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है, समझ लो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो ये जो है ये डिस्टेंस बिटवीन, मतलब कि डिस्टेंस कहाँ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, पोल से जो डिस्टेंस होगी उसको बोला जाएगा यू, बात समझे। उसके बाद जो आई है वो इमेज है फ्रॉम द पोल, तो इसको बोला जाएगा वी, और फोकल लेंथ हमारी यही कहीं होती है, तो एफ जानते ना, फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को ही क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ये आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे ये क्लियर कर लिया अब आप लोगों ने कि क्या होता है एफ, क्या होता है वी, क्या होता है यू। एफ जो है फोकल लेंथ है, वी जो है इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, यू जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, ठीक है। चलो अब इसमें क्या है, हम आगे पढ़ाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो अब ये तो समझ गए होंगे कि आप F, V और U क्या होता है, अब इसके आगे आपको बताते हैं कि क्या होगा एक्चुअल में। मैंने बोला ना कि यहाँ पर कुछ साइन जो है वो अलग अलग होते हैं, अब क्या होते हैं सुनना आप लोग, एक इंपॉर्टेंट नोट डालना है आप लोगों को। नोट यहाँ पर ये है कि F, V एंड U ये जो भी होंगे ये किसी भी न्यूमेरिकल में एक प्रॉपर साइन के साथ यूज करेंगे, यानी कि अगर आपको एफ दिया है न्यूमेरिकल में तो ये नहीं है कि आप उस एफ की वैल्यू निकालेंगे, उस एफ को आपको पॉजिटिव या निगेटिव में रखना होगा। अब आपको मालूम चलेगा अभी धीरे धीरे कि एफ किस में पॉजिटिव होगा, एफ किस में निगेटिव होगा, वी किस में पॉजिटिव होगा, वी किस में निगेटिव होगा, ठीक है। तो इस सबसे चीजें बताई जाएंगी, एफ वी एंड यू मस्ट बी यूज विथ प्रॉपर साइन, ठीक है, विथ प्रॉपर साइन। अभी धीरे धीरे जब करने लगोगे तो अपने आप ही आने लगे, कोई दिक्कत नहीं, और हिंदी मीडियम के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, सेम न्यूमेरिकल हिंदी के लैंग्वेज में लिखा है, आपको क्वेश्चन आप उठाओगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं क्या, नोट नंबर वन है,
you always taken in negative sign. यानी कि चाहे हमारा कॉनकेव हो चाहे हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही यू जो होगा वो हमारा ऑलवेज निगेटिव होगा. ठीक है, तो इतना कठिन कठिन लैंग्वेज में नहीं, ऐसे लिखते हैं सबसे सिंपल, ऐसे यू इज यू ऑलवेज, ऐसे लिखो हटाओ, यू ऑलवेज निगेटिव. शॉर्ट जितना लिखेंगे उतना ही आपको याद रहेगी चीजें, मेमोराइज करने में उतना ही आसान होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर ये है कि अगर हम एफ की बात करें तो एफ इज निगेटिव इन कॉनकेव मिरर. एफ इज निगेटिव इन कॉनकेव मिरर व्हाइल एफ इज पॉजिटिव इन कॉनवेक्स. बहुत सिंपल है. अगर हम यहाँ पे दिखाएं छोटा सा डायग्राम बना के, तो अगर खुद देखोगे तो ये हमारा है कॉनकेव मिरर और ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, और अगर आपको याद हो ये लेफ्ट साइड है, ये मिरर की राइट साइड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो इधर फोकल लेंथ कॉनकेव में इधर इस साइड पड़ती है. तो खुद ही सोचो मिरर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी कॉनकेव मिरर वो निगेटिव होगी. यहाँ पे आपको पता है फोकल लेंथ आगे होती है तो राइट हैंड साइड में बिहाइंड द मिरर है, तो यहाँ पर यानी कि जो फोकल लेंथ होगी वो हमारी पॉजिटिव नेचर की होगी. ठीक है, तो अब रीजन समझ में आ गया क्यों. तो एफ इज निगेटिव, याद रखना यू ऑलवेज निगेटिव होगा चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो. एफ जो है हमारा वो निगेटिव होगा बिकॉज इन कॉनकेव मिरर. ठीक है, अब रीजन भी आपको बता दिए, लेफ्ट साइड में ही होता है. और कॉन्वेक्स मिरर में जो है हमारा एफ जो होगा वो पॉजिटिव नेचर का होगा. ठीक है, बात क्लियर, समझ में आ गया, याद है, समझ में आ गया. चलो रफ करते हैं. अब यहां पे बात करते हैं मैग्निफिकेशन की. मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो पहली चीज याद रखना ये एक मेजरमेंट टेक्निक होती है या फिर एक मेजरमेंट यूनिट होती है. मेजरमेंट यूनिट भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी कोई यूनिट ही नहीं होती. ये एक्चुअल में क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से हम किसी भी इमेज को बता सकते हैं कि वो कितनी लंबी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. यानी कि कितनी लंबी है कितनी छोटी है उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन से कर कर हम बता सकते हैं बाय फॉर्मूला कि वो इमेज कितनी लंबी या छोटी लार्ज है. ठीक है, बात क्लियर. तो यहाँ पे चलो बात करते हैं. इट इज द मेजरमेंट ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. यानी कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो जो इमेज बन रही है मिरर से वो कितनी बड़ी है या कितनी लार्ज है ये हम पता लगा सकते हैं इसमें मैग्निफिकेशन से. ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से. ठीक है, तो दूसरे रूप लिखेंगे. इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज या हाइट में लिखो साइज ऑफ इमेज, मच बेटर, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहां तक लिख लिया. चलो अब इसमें ऊपर लिख देते हैं, जगह है नहीं. चलो अब यहां पे देखते हैं क्या होगा. यहां पे अगर देखें m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच. ठीक है, एच डैश अपॉन एच, एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसके अलावा ऐसे लिख सकते हो आई अपॉन ओ. भाई याद होगा हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनता था बनाते थे तो उसको ओ से लिखते थे और इमेज को आई से लिखते थे. इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं वी अपॉन यू से, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो वी होता है वो डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द पोल ऑफ इमेज होता है.
ठीक है, यानी कि इमेज की जो डिस्टेंस है वो पोल से कितनी दूर है वो वी होगा, यानी कि डिस्टेंस को भी कैरी कर सकते हैं, और व्यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो पोल से कितनी होगी वो बता दो। तो इसकी जगह पे हम लोग ये भी टेक इन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है यहाँ पे निगेटिव साइन होगा, यानी कि फॉर्मूला एम इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू लिया जाता है। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये हाइट है यानी कि एच डैश, और ये क्या है, और इसकी जगह पे आई हो सकता है और इसकी जगह पे हो सकता है हाइट ऑफ इमेज और एच क्या है हाइट ऑब्जेक्ट, बात क्लियर। इसके अलावा वी आपको पता है, वी क्या होता है डिस्टेंस होती है किसकी इमेज की, और यू क्या होता है डिस्टेंस होती है किसकी ऑब्जेक्ट की, बात क्लियर हो गई। तो फॉर्मूला याद रखिएगा वी इज इक्वल टू सॉरी एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है। इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको डिस्टेंस नहीं दी होगी, यानी कि वी और यू नहीं दिया होगा, आपको हाइट दी होगी। तो हाइट जब दी होगी तो आपको करना है एच डैश अपॉन एच या आई अपॉन ओ से करना है। ठीक है, तो ये कैसे भी एक न्यूमेरिकल आएगा तब बताया जाएगा, बताएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो इम्पोर्टेंट भी है आपका मैग्निफिकेशन के यानी कि एमसीक्यू के अगर पॉइंट से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि क्या जो मैग्निफिकेशन होता है उसकी कोई यूनिट होती है। तो बिल्कुल बच्चे याद रखना, मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो रेशियो होता है वो इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो होता है, क्योंकि एक साइज को बता रहे हो तो अगर ऊपर वाले मीटर मिलेंगे तो नीचे वाला भी मीटर मिलेंगे, अगर ऊपर वाला सेंटीमीटर मिलेंगे तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो भी सेंटीमीटर मिलेंगे, तो दोनों चीजें कैंसिल हो जाएगी। तो रेशियो यहाँ पे कोई किसी भी तरह की यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो यह लिखना ये इंपॉर्टेंट है, लिखवा दे रहे हैं मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज की साइज का रेशियो होता है, सो इट हैज नो एक मिनट इट हैज नो यूनिट। ठीक है, इस पॉइंट को एमसीक्यू के उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मैग्निफिकेशन की किसी भी तरह की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। तो अब हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर होगा तो यू मतलब यू तो आपको पता ही है कि यू कोई भी केस होगा उसमें निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे वी की भी बात करते हैं कि वी एक्चुअल में क्या होगा, इमेज कौन सी इरेक्ट बनेगी, किस केस में, केस में मतलब कि इन्वर्टेड बनेगी, ये सब चीजें थोड़ी सी पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीधे न्यूमेरिकल में आएंगे। ठीक है, तो पहली चीज है जितने लोगों ने रे डायग्राम अभी तक नहीं बनाना सीखा है वो सीख लें तभी इसके क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा मिरर है, तो आप बता भी नहीं पाओगे ये वी है कि ये यू है। तो आपको उस क्वेश्चन को समझ के आपको उसको रे डायग्राम बना के समझना होगा कि एक्चुअल में क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अगर साइन गलत हुआ तो न्यूमेरिकल गलत है, पहले ही बता दे रहे हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो, कोई घबराने की जरूरत नहीं। सब पता नहीं क्यों लाइट के चैप्टर के न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको अच्छे से आपने पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहे हैं, ये सब चीजें एक जगह कहीं पे नोट्स बना के रख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बाद में तुम लोग फिर लेक्चर देखोगे तो फिर उसे अच्छा बना के रख लो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं, दो तीन कलर ले ले रहे हैं। इफ वी इज पॉजिटिव, अच्छा भाई V किसमें पॉजिटिव होगा, बहुत ही सिंपल बात है, V पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, बहुत सिंपल है भाई ये चीज तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, अगर आपको बताया होगा तो कॉनकेव मिरर का जो लास्ट केस था उसमें मैंने बताया था कि जो इमेज बन रही थी वो इस साइड बन रही थी,
ऐसे ऐसे करके बनाई थी, बहुत बड़ी सी बन रही थी, याद है? और आपको पता है कॉन्वेक्स में तो दोनों ही साइड में ही, राइट हैंड साइड में ही बनती है दोनों केस में। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि वो पॉजिटिव ही तो होंगी, उनकी डायरेक्शन राइट साइड में जा रही है वी की, तो पॉजिटिव होगी, यानी कि पोल के राइट हैंड साइड पर जो जाती है वी या यू, वो पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर वी जो है वो हमारा पॉजिटिव में है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें भी वी पॉजिटिव में था आपको याद होगा वो वर्चुअल इमेज ही बना रहा था। हमने डैश डैश करके बनाया था कॉनकेव मिरर का भी जो लास्ट केस था, और कॉन्वेक्स के तो दोनों ही वर्चुअल केस के होते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर सिंपल सी बात कही जाए कि अगर वी पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वी पॉजिटिव है तो ये क्या कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, क्योंकि मैंने बताया ना कि वी जो है वो पॉजिटिव हो रहा है कॉनकेव के लास्ट केस पे भी। अगर वो केस ना होता तो हम ये बिल्कुल मान सकते थे कि वी जो है हमारा वो निगेटिव होगा और इस कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन नहीं, उसने ये बात जो लास्ट केस था उसमें ये है कि वी हमारा पॉजिटिव आता है। इसीलिए एफ का अगर आपने देखा होगा तो एफ निगेटिव था कॉनकेव के लिए, एफ पॉजिटिव था कॉन्वेक्स के लिए। यू दोनों के लिए निगेटिव होता है क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट रखा रहेगा वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा रहेगा, है ना। लेकिन V जो है आपका वो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इस पे कोई एक प्रॉपर साइन नहीं दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात समझिए कि V इज पॉजिटिव, अगर V पॉजिटिव है तो इमेज हमारी वर्चुअल बनेगी, मतलब कि मिरर के बिहाइंड बनेगी, ठीक है, बात क्लियर, उसी साइड बनेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं सिंपल से राइट हैंड साइड पे बनेगी, ठीक। अब हम बात करते हैं V इज अगर निगेटिव, V अगर निगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज, ठीक है, कैसी बनेगी, रियल इमेज। आपको पता है ना रियल इमेज बनेगी, जैसे कि कॉनकेव के हमने जो भी पांच केसेस देखे थे उसमें रियल इमेज बन रही थी, ठीक है। तो ये सब चीजें जरा ध्यान रखना। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अगर हमारा जो हाइट है, हाइट जानते हैं एक्स से लिख रहे हैं, अगर हाइट हमारी पॉजिटिव आ रही है, बाई सिंपल सा है, ये सीधा प्रतिबिंब बनेगा। भाई अगर इरेक्ट आ रहा है तो मतलब है ना कि हमारा जो इमेज हमने जैसा लिया था वो वैसे ही बना, भले छोटा बन रहा हो लंबा बन रहा हो लेकिन सेम डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो एच अगर निगेटिव है तो सिंपल सी बात है, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी बन रही है, इनवर्टेड, ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करें अब मैग्निफिकेशन की, यानी कि उसको m से डिनोट करते हैं, m इक्वल्स टू माइनस b अपॉन u, या फिर m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, ऐसे कर सकते हैं। तो अगर m जो हमारा निगेटिव आ रहा है, मतलब फॉर्मूला हमने निकाल के रखा और हमें निगेटिव में वैल्यू मिल रही है, तो याद रखना इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। और m अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो इमेज हमारी बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, बात क्लियर। तो दोनों एक ही चीज है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, इसमें कोई वो नहीं है। इसके अलावा दो चीजें और हैं इंपॉर्टेंट है, और ये एमसीक्यू के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारा एम मैग्निफिकेशन जो है वो एक से छोटा आ रहा है, यानी कि लेस देन वन आ रहा है, तो याद रखना इमेज ऑलवेज स्मॉलर देन इमेज, इमेज इज स्मॉलर देन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था ना एम जो होता है वो क्या निकालता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर एक से छोटा ही एम आ रहा है तो इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट लिया है उसकी इमेज उससे छोटी बन रही है, ठीक है। अगर हम एम की बात करें ग्रेटर देन वन है तो इमेज जो होगी वो कैसी होगी, लार्जर होगी, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो बात क्लियर होगी, समझ में आ गई, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से लिखना। तो अब बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, V पॉजिटिव तो इमेज वर्चुअल है, V नेगेटिव तो रियल इमेज है, H पॉजिटिव तो इरेक्ट है, H नेगेटिव तो इन्वर्टेड है, सेम केस है, M पॉजिटिव होगा इरेक्ट होगा, M नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड होगा, तो इसका मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके अलावा एम अगर लेस देन है वन तो इसका मतलब है इमेज जो है स्मॉलर, अगर एम से वन से बड़ा है एम तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो लार्जर होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट से। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे, ठीक है। तो इसको ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अलग हो जा रही हूँ, देखिए कैमरे का फोकस तो नहीं, उसका फोकस तो नहीं आ रहा, चलो इतना तो दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। अगर लाइट का कोई इशू है, ये जो मैंने लाइट लगाई है रिंग वाली, अगर अच्छा दिख रहा है तो मुझे बता देना,
और अगर इससे कुछ मतलब दिखने में कुछ समस्या आ रही है तो भी मुझे बता देना, तो मैं इसको हटा दूंगी फिर, ठीक है। अगर इससे साफ दिखता है पहली वाली वीडियो की अगर कंपैरिजन में किया जाए तो भी बता देना मुझे, ठीक है। और इनको पढ़ते चलो, न्यूमेरिकल तक आ गए। न्यूमेरिकल के बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो कल पढ़ेंगे, देखो न्यूमेरिकल आज बताने जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलो अभी पहले फिलहाल इतना बताते हैं, सब चीजें नोट कर ली है। चलो अब इस पर न्यूमेरिकल में आते हैं। क्वेश्चन हम लिख ही दे रहे हैं। क्वेश्चन है अ फोकल लेंथ, अ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी न्यूमेरिकल के लिए जगह चाहिए होगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट placed at a distance of 20 centimeter from the mirror, 20 centimeter from the mirror, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन ये है अ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, कॉनकेव मिरर पहली चीज से फोकल लेंथ है तो हम लोग क्या लिखते हैं, कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। अब कॉनकेव मिरर है तो आपको साइन लगाना ही, क्योंकि मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल बिना साइन के नहीं लगा सकते, और न्यूमेरिकल में सिर्फ दो तीन ही चीजें चाहिए हमें, एफ वी और यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या, कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी होगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर होगी, प्लस का नहीं, ठीक है। उसके बाद फाइंड द पोजीशन ऑफ एन इमेज प्लेस्ड एट द, अच्छा चलो हमें वी निकालना, हमें नहीं मालूम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये सब लिखना बहुत जरूरी होता है न्यूमेरिकल में। उसके बाद यू हमारा दिया है एन ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आपको पता है यू सबके लिए ही निगेटिव होगा, क्योंकि यू जो होता है हर जगह हम लोग लेफ्ट साइड में ही रखते हैं उसको, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब चलो यहाँ पे देखते हैं करना क्या है। तो एक मार्कर ले लेते हैं दो कलर के, उसके बाद बताते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है, वन अपॉन यू हमारा ये फॉर्मूला है। इसी में सारे साइन के साथ हम लोग ये रखते हैं, ठीक है। वन अपॉन माइनस का 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन बी, बी हमें नहीं पता तो हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद माइनस का 1 अपॉन 20, एक्चुअली प्लस था यहाँ पे माइनस रखा था, तो ये जो माइनस था यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। ये देखो ऐसे रखोगे ना तुमने न्यूमेरिकल में, अब ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे बताओ, ठीक है ना। तो ये माइनस आ गया, अब क्या है, 1 अपॉन बी को इधर रख देते हैं, इधर ही रख देते हैं जहां है ये। अब क्या है, माइनस का 1 अपॉन 10 दिख रहा है, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन 20, ठीक है। इसको एलसीएम लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। 20 लिया एलसीएम, 20 जैसे ही एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, माइनस का 2, भाई 10 2 20, तो यहाँ पे 2 आया, ये माइनस का तो माइनस लिख देंगे, और ये प्लस का 1, क्योंकि 20 से कट करेगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा, तो यानी कि माइनस का 1/20, यानी कि हमारा अगर यहाँ पे देखें हम ध्यान से तो 1/V इज इक्वल्स टू माइनस का 1/20। ये अभी v नहीं है, 1/V निकला, v को करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ये ऐसे माइनस लिख दो, हाईलाइट करो, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, ये हमारा क्या है, आंसर। तो इस तरह से लिख लोगे, इसका मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी पोजीशन है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द
ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से 20 सेंटीमीटर दूरी पे वो क्या कर रही है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ में आ गई, बहुत आराम से बताया है। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत आराम से। क्वेश्चन नंबर टू है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑफ अ कॉनकेव मिरर is 20 centimeter an object is kept at a distance of image of the object kept at a distance an object kept at the distance और वही इनका न्यूमेरिकल किसका था, मुझे और 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। Find distance of image of the object from the mirror। Marker King भी खत्म हो गई। चलो यहीं पे देखते हैं, देखो क्या क्या रख दिया हुआ है उसको निकालते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर हमें 20 सेंटीमीटर ये दिया है, रख देते हैं। इसके बाद हमें निकालना है कि अब यहाँ पर क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड। अब अच्छा बहुत सिंपल सी बात है, चाहे तो अभी दिमाग लगा लो चाहे तो बाद में लगा लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर का भाई, जैसे फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड पे थी उसी तरह से आर भी तो लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉनकेव मिरर में, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में होगा। चाहे तो अभी मत करना तो बाद में कर लेना, इससे क्या होगा हम एफ निकालेंगे और एफ आप निकालेंगे तो फिर वो हमें पॉजिटिव में मिलेगा, लेकिन आपको पता है कॉनकेव मिरर तो उसको हम निगेटिव रख देंगे। तो दोनों प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ऐसे नहीं समझना, तो चलो दूसरी तरह समझते हैं। आर है तो इससे एफ निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो यहाँ पर क्या होगा 20 बाई 2 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये कॉनकेव मिरर है इसलिए कैसा हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। वही तो मैं कह रही हूँ कि आप इसको भी माइनस रख सकते हो, आप इस बाद में भी दिमाग लगा के रख सकते हो। तो शुरुआत में रखोगे तो न्यूमेरिकल में भूलोगे नहीं, तो ठीक है याद रखना, ठीक है ठीक, क्योंकि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो बनता है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड एट अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे हमें U दे दिया है, U कितना दिया, U तो नेगेटिव ही होगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, चलो देखते हैं। 1/f, 1/b + 1/u, ठीक है, दूसरा मार्क कर ले लें, बहुत हो गया एक जैसा। अब क्या है, हमें क्या निकला है, f निकल गया माइनस का 10, b ऐसे रहने दो, सॉरी हाँ b ऐसे रहने दो, माइनस का 15। चलो इधर देखते हैं, 1/b - 1/10 माइनस का 1/ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। चलो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये 150 कर दे रहे हैं
और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 15 आएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 10 आ रहा है, ठीक है। इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 5, 25, 150, और अगर इसको कट करेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा मिलेगा, कैसा मिलेगा ये, कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट को देखते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, 15 है, 10 का एलसीएम लेते हैं, ये 30 आएगा आई थिंक। ये क्या है, 5 जा, ठीक है, फिर हाँ ठीक है 30 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो, हाँ अब वही हम कहे कुछ गड़बड़ होगी, 1/V = -1/LCM लेंगे 30। अब 30 लेंगे तो 10 3 3 आ जाएगा माइनस का, और इसपे अगर 15 से करेंगे तो 15 2 आ होता है, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या दिमाग लगा रहे हैं बेटा, याद रखना ये इधर जाएगा ना तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना, हमसे गड़बड़ हुई है, माइनस का 1/30, तो 1/V आया, और V = क्या आएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो माइनस का 30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन है, खुद से करो, तुम लोग जितने लोग भी कर रहे हो एक बार करो खुद से। क्वेश्चन है लाइक मैग्निफिकेशन वाला, बता दे द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी लेंथ कितनी दे दी है, 4 सेंटीमीटर की लेंथ दे दी है, 4 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड at a distance of 30 centimeters from the mirror, ठीक है, find the position एंड लेंथ ऑफ इमेज। चलो तो ये जो क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन्हें कर्वेचर दे दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर दे दिया, बाहर से हम एफ निकाल लेंगे, ठीक है, और इन्होंने क्या मिरर के बारे में नहीं बताया कौन सा मिरर है, ठीक है ना, बोला है नहीं, लिखा है कौन के, अच्छा कौन के लिखा, सॉरी। तो अब इसका आर निकालेंगे, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मुझे जो है ऑब्जेक्ट का लेंथ दे दिया, यानी कि इसकी हाइट दे दी एक तरह से, तो ठीक है उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन उसके अलावा हमने डिस्टेंस हमें दे दी है ऑब्जेक्ट की कितनी कितनी दूरी पे है, इसका मतलब यहाँ पे हमें यू मालूम है, एफ हम लोग निकाल ही लेंगे। इसके साथ हमें बताना है वी क्या है, वी की हाइट कितनी है, और वी कैसी पोजिशन पे, यानी कि सीधा है या उल्टा है, ये सब हम लोग देखेंगे, जैसे अभी मैंने साइन वाला फॉर्मूला बताया कि साइन है एम कैसा होगा, चलो इसको देखते हैं तब पता चलेगा। एक मिनट देख ले, वीडियो ज्यादा लॉन्ग तो नहीं बन गई है, लंबी हो रही है, चलो इसको अच्छा देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर इमेज देख रहे हो तो यहाँ पे होगा फॉर्मूला 1/F, या 1/F छोड़ो, पहले यहाँ पे लिखते आर, कॉनकेव है तो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो मतलब 40 सेंटीमीटर है,
इसका एफ निकालेंगे तो हमें पता है 40/2 कर देंगे, पता समझ गए, माइनस का 20 सेंटीमीटर हमारा क्या निकला एफ, यू हमारा कितना है और यहाँ पे हमें क्या एल दिया, एल की जगह पे हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओ, ओ की हाइट ना, तो ओ भी लिख सकते हो वो भी चलेगा और अच्छा सही भी लगेगा, तो ओ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। अब U की बात करते हैं तो U हमारा हमेशा निगेटिव होता है, कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर, चलो निकालते हैं और इसको लगाते हैं, 1/VF, 1/V + 1/U, अब ये है माइनस का 20, 1/V और ये माइनस का 1/30 है, अब ध्यान से करेंगे 1/V ये यही रहने दो, इसको इधर ले जाओ, माइनस का 1/20 प्लस का 1/30, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सीधे एलसीएम लो, 60 आएगा, 60 एलसीएम आएगा, अब यहाँ पे करोगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा और इधर देखोगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, अब माइनस प्लस यानी कि माइनस का 1/60 आ रहा है 1/V, तो अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है वी इज इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है यहां तक आ गया। अब अगर हम बात करें आगे की तो यहाँ पे अब हमें निकालना है कि इमेज इतनी डिस्टेंस पे बन रही है, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही है, लेकिन अभी हमें निकालना है इसका मैग्निफिकेशन, तो पता होगा आई अपॉन ओ होता है, ठीक है, या फिर इसके अलावा कर सकते हो माइनस का वी अपॉन यू, तो माइनस का वी अपॉन यू अगर हम निकालेंगे या फिर इसके अलावा आई अपॉन 4 यानी कि लेंथ दी हुई है, तो चलो इसमें रखते हैं पता चल जाएगा क्या है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम रखते हैं आई, हमें कितना दिया हुआ है इसको देखो, अब इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है इसको हटा दो, ये तो हमें दिया ही नहीं ना, तो हमें इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना है, यानी कि m = i / o है और माइनस का v / u होता है, तो हमें लेंथ निकालनी है, तो जब m नहीं दिया है बेटा, ये अननोन है, ये अननोन है, तो खाली एक पता है, तो कैसे करोगे, तो इसका मतलब इसको भी हटा दो, तो इसका इससे रिलेशन बना सकते हैं, यानी कि हमें देखो i निकालना है, o हमें पता है कितना है, o 4 है, ठीक है, और माइनस का माइनस रहने दो, ये कितना है माइनस का 60 है, ठीक है माइनस का क्या है माइनस का 60 है और ये क्या है माइनस का 30 है, ठीक है रखा, ये कट कर दो, ये कट कर दो, माइनस का माइनस कट कर दो, तो आई अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस का 2 आ रहा है, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2 × 4 यानी कि आई इज इक्वल टू माइनस का 8 आ रहा है, अगर आपको पता हो ये क्या है, आई जो है ये एक तरह से हाइट ही तो है, तो याद है H-, और अगर आपको याद हो तो अभी पहले ये भी लिखवाया था कि अगर ये निगेटिव होता है तो इमेज कैसी बनती है इनवर्टेड, ठीक है ना, कैसी बनती है इनवर्टेड बनती है, इसके अलावा इसकी लेंथ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी, इन्वर्टेड होने के साथ ही साथ ये कैसी बनेगी रियल बनेगी, ठीक है रियल बनेगी, निगेटिव में आ रहा तो रियल में बनेगी, तो ये सब चीजें बता दीजिए, तो आई होप आपको समझ में आया हो, और कुछ न्यूमेरिकल जो है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो इसको प्रैक्टिस करते रहो, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगी, ओके।